हेलो एवरीवन, ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिक्सन थ्योरी एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एरिक्सन ने जो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इसमें इसने क्या कहा कि सबसे पहले जो एरिक्सन है वो कहता है एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर ओन यूनिक आइडेंटिटी। दुनिया के अंदर जो हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है और ये जो इंसान की पहचान होती है इसमें जो है इसके पॉजिटिव आइडेंटिटी भी हो सकती है या नेगेटिव आइडेंटिटी भी हो सकती है। और ये जो इंसान की जो आइडेंटिटी है, जो हर इंसान की एक यूनिक अपनी आइडेंटिटी होती है, ये जो है ये कुदरती तौर से भी इंसान के अंदर आ सकती है या इट कैन आल्सो बी एक्वायर्ड। ये डिपेंड करता है इंसान के अंदर कि वो जो है किस सोसाइटी में रह रहा है, उसका जो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कितना है एनवायरनमेंट के एतबार से, उस हिसाब से जो है इंसान की जो है डेवलपमेंट इस दुनिया के अंदर होती है। एरिक्सन ने जो है इसकी जो थ्योरी है, जो साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी जो इसने एरिक्सन ने बताई, इसने क्या कहा कि कोई भी इंसान जो है जब वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है तो देयर आर एट डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो जो है इन एट डिटर्मिनेंट्स के थ्रू गुजरता है और बाद में जो है वो एक फुली मैच्योर पर्सन बन जाता है। और ये जो एट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लाइफ हैं, उसके ये जो अलग अलग स्टेजेस उसने बताई हैं, अगर वो एरिक्सन कहता है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसको जो है इन एट स्टेजेस से गुजरना होता है और उसने हर इंसान को जो है ये कोशिश करनी है कि वो जो है इन एट स्टेजेस से जो है सक्सेसफुली जो है इन स्टेजेस से गुजरे, इनसे जो है पूरी तरीके से जो है इन एट स्टेजेस से दैट ऑल इंडिविजुअल मस्ट ओवरकम और रिजॉल्व सक्सेसफुली, यानी वो जो है पूरी कामयाबी से इन एट स्टेजेस से गुजरे ताकि वो जो है अपने इस एनवायरनमेंट में जो है सही तरीके से एडजस्ट हो पाए। तो इसमें जो है इसने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, एट स्टेजेस बताई हैं एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट के एतबार से। तो सबसे जो पहली स्टेज है दैट इज ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फेंट टू 18 मंथ्स। तो ये जो इसकी स्टेज है जो एरिक्सन ने बताई है किसी भी इंसान के अंदर जो ये एट स्टेजेस से जो गुजरता है, इसकी जो पहली स्टेज होती है ये होती है फ्रॉम इन्फेंट टू 18 मंथ्स। इस स्टेज में जो होता है बच्चा उसके अंदर जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरी तौर पर डिपेंड होता है, केयर के एतबार से, नीड्स के एतबार से। तो यहाँ जो है अगर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से पूरी तरीके से जो है वो केयर पाता है, जो भी नीड्स वगैरह होती हैं उसकी, अगर वो तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, वो तमाम चीज़ें उसको मिल पाती हैं, तो वो जो है उसके अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है। स्मॉल बेबीज आर न्यू इन दिस वर्ल्ड एंड मे व्यू आउटसाइड द वर्ल्ड इज थ्रेटनिंग। तो जो भी छोटा बच्चा होता है वो इस दुनिया में जब आता है तो वो जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे जो है इसके दिल में एक घबराहट रहती है, एक डर रहता है। तो अगर इस डर से वो जो है निकल आया, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर ट्रीटेड बाई पीपल अराउंड देम, ए सेंस थ्रेट कैन बी रिप्लेस्ड बाई ट्रस्ट। तो जो उसके आसपास जो लोग होते हैं, जो भी उसके आसपास जो उसके पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, अगर इनसे जो है वो सही तरीके से इस स्टेज पर निकल आया तो उसके अंदर जो है एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है, जो भी डर होता है, जो भी खौफ होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर जो है उसकी सही तरीके से केयर हो, उसके पेरेंट्स जो है उसको सही तरीके से केयर दें, जो भी उसकी ज़रूरियात वगैरह होती हैं वो उनसे उसको मिलती रहें, और जो भी आउटसाइड जो बच्चा एक डर एक खौफ उसके अंदर पैदा होता है, तो अगर जो है पेरेंट्स की मदद से जो है वो डर और वो खौफ उसके अंदर ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर जो है ट्रस्ट पैदा होता है। और अगर ये सब चीज़ें ना हों, तो ये सब चीज़ें उसको ना मिलें, तो उसके अंदर जो है एक मिसट्रस्ट पैदा होता है। तो ये जो पहली स्टेज है इट इज़ ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, तो ये हमको याद रखना है।
When this happened, they gain a sense of security and begin to learn to trust people. अगर उसको जो है ये सारी चीज़ें जो उसकी ज़रूरियात होती हैं स्टेज के ऊपर अगर ये उसको मिल जाती हैं तो वो जो है एक ट्रस्ट उसके अंदर पैदा हो जाता है. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टीच एंड टू टीच एन इन्फेंट अबाउट ट्रस्ट इज़ यूजुअली हिज पेरेंट्स. तो इसमें जो है सबसे जो अहम रोल रहता है वो उसके पेरेंट्स का रहता है. पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक गुड केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड अटेंड टू देयर नीड्स. तो पेरेंट्स से इस स्टेज पर एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जो है इसकी गुड केयर करे और जो भी इसकी नीड्स हैं उनको पूरा करे. फॉर एग्जाम्पल द पेरेंट्स ऑफ द बेबी प्रोवाइड हिम विद फूड शेल्टर देन फूड शेल्टर सस्टेनेंस एंड मेक हिम फील वेरी कंफर्टेबल एंड सिक्योर. तो इस स्टेज पर जो है बच्चे की जो भी ज़रूरियात होती हैं चाहे वो फूड हो शेल्टर हो या जो भी उसके अंदर जो डर खौफ वगैरह होता है उससे जो है वो पेरेंट्स उसको बाहर निकाल लाएँ. तो ये सब चीज़ें जो है ये फर्स्ट स्टेज में आती हैं. देन स्टेज टू इसमें जो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. तो ये हमको याद रखनी है एक तो स्टेज टू कौन सी है इसके अंदर क्या आता है और ये जो है कहाँ कौन सी एज से कौन सी एज तक ये स्टेज रहती है. तो ये जो है 18 मंथ्स टू 3 इयर्स के दरमियान जो है ये स्टेज रहती है. इसमें जो है जो बच्चा होता है उसको जो है ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको जो है खुद सेल्फ डिपेंडेंट जो है आपको कैसे होना है. उसको जो है कपड़े बदलाना वगैरह ये चीज़ें सिखाई जाती हैं. उसको जो है अपनी केयर करना सिखाया जाता है इस स्टेज के अंदर. इफ़ ए चाइल्ड कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिज ओन बेसिक नीड्स एंड कंटिन्यू टू रिलाई ऑन अदर्स टू टेक केयर ऑफ देम ही मे फील ए शेमफुल व्हेन ही सीज दैट अदर किड्स ऑफ हिज ओन एज आर एबल टू परफॉर्म टास्क सच एज फीडिंग देमसेल्फ. तो इस स्टेज पर अगर बच्चा जो है ये सब चीज़ें नहीं सीखता है अपनी केयर करना नहीं सीखता है तो वो जो है एक शेम जो है उस फील करता है जब वो देखता है कि जो उसकी स्टेज के जो बाकी बच्चे हैं वो अपनी नीड्स जो है पूरी कर रहे हैं अपने क्लॉथ्स वगैरह क्लॉथिंग वगैरह जो भी उसकी जो है डे टू डे नीड्स उस वक्त जो होती हैं. जब वो देखता है कि दूसरे जो उसकी स्टेज के बच्चे हैं वो खुद अपनी वो नीड्स को पूरा करते हैं और ये अपनी नीड पूरी नहीं करता है तो इस स्टेज पर जो है वो शेमफुल वो जो है फील करता है. तो इस स्टेज में अगर वो अपनी ये तमाम इन ये जो हैं चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स इस वक्त अगर ये पूरी करता है तो उसके अंदर जो एक ऑटोनॉमी आ जाती है और अगर वो सब ये चीज़ें नहीं करता है तो वो जो है इस स्टेज पर शेम एंड डाउट जो है वो अपने अंदर जो एक फील करता है और ये सब चीज़ें जो उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं. तो ये जो है स्टेज टू थी. देन स्टेज थ्री इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. ये जो है स्टेज थ्री टू सिक्स ईयर इसमें जो है अब बच्चा जो है ग्रो अप हो रहा है. दे लाइक टू एक्सप्लोर एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन. इस स्टेज पर जो है बच्चा अक्सर बच्चे जो है वो अपना काम जो है वो खुद करना सीख जाते हैं कपड़े लगाना जूते पहनना बाहर जाना टॉयलेट वगैरह. तो इसमें जो है वो अब लगभग सेल्फ डिपेंडेंट जो है बच्चे हो जाते हैं. एट स्टेज थ्री ऑफ द एरिक्सन स्टेज चिल्ड्रन कैन लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस दीज लेसन्स इन देयर रियल लाइफ. इस स्टेज पर जो है बच्चे स्कूल भी जाते हैं स्कूल जाकर जो है वो नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अपने रियल लाइफ के अंदर जो है वो लाने की कोशिश करते हैं. दे नो दैट दे कैन अकॉम्प्लिश दिस टास्क ऑन देयर ओन. तो वो ये जो बच्चे हैं जो भी नई नई चीज़ें सीखते हैं वो अपने अंदर इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और अगर जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते अगर वो फेल हो जाते हैं ये सब चीज़ें करने से तो देन दे मे फील ए सेंस ऑफ गिल्ट. तो उनके अंदर जो एक सेंस ऑफ गिल्ट जो है रहता है एक अफसोस जनक चीज़ जो है उनके अंदर वो पैदा हो जाती है. तो ये जो है स्टेज थ्री टू सिक्स है और इसमें जो आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. देन स्टेज फोर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी. ये जो है स्टेज सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स. तो ये हमको स्टेजेस एज का भी रखना है कि कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक जो है ये स्टेजेस रहती है और इस स्टेज के अंदर जो है क्या रहता है. एट एरिक्सन्स साइको सोशल स्टेज फोर चिल्ड्रन मैच्योर एंड देयर लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज.
तो इस स्टेज पर जो है बच्चा मेच्योर हो चुका है और जो उसके अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, जो उसका लेवल होता है, वह अब इंक्रीज हो चुका है। इस स्टेज पर जो है उसके अंदर जो है वो जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और जो उसके आसपास के माहौल में जितनी भी चीज़ें हैं वो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जो भी स्कूल के अंदर जो है साइंटिफिक रीजनिंग्स वगैरह या साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह, जो लॉजिकल रीजनिंग्स वगैरह जो स्कूल में वो सीखता है, अब वो उनको आहिस्ता आहिस्ता जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। इस स्टेज पर जो है बच्चे के अंदर जो है एक कम्पिटिटिव नेचर भी आ जाता है, वो अब दुनिया के साथ जो है वो एक कम्पिटिटिव जहन उसका बन जाता है, वो जो है वो कम्पीट करने की कोशिश करता है। दे वांट टू डू थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज कैन डू। इस स्टेज पर जो है वो तमाम चीज़ें वो करना चाहता है जो उसके हम उम्र बच्चे जो है वो करते हैं या वो कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ों को वो करने की कोशिश करता है। और अगर ये चीज़ें वो कर पाया, अगर वो ही इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क एंड सक्सीड्स, तो उसके अंदर जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। और अगर जो है वो इस स्टेज पर ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है, यानी जो भी स्कूल में सीखता है उनको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है, या जो उसके हम उम्र जो बच्चे हैं जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं अगर वो नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, देन एक बच्चे के अंदर जो है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। दे फील दैट दे आर इन्फीरियर टू अदर। तो ये जो है स्टेज 4 है। देन स्टेज 5 आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। तो ये जो है 12 to 19 ईयर्स, इसका जो है बच्चा बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, ही इज़ एन एडोलिसेंस। तो ये ही इज़ इन द स्टेज ऑफ एडोलिसेंस। इसका जो है उसकी जो है एक सेक्शुअल आइडेंटिटी भी अब सामने आ जाती है, वो अपने आप को जो है एक अलहदा एक पर्सनालिटी जो है अपने आप को डिस्कवर करने लगता है। तो उस वक्त जो है वो अब चूँकि वो जो है इस वक्त इस स्टेज के ऊपर जो है वो चाइल्डहुड से निकल कर जो अब एडल्टहुड में जो है आने लग जाता है, तो इस वक्त जो है उसके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो है रहती हैं। एक तो उसके अंदर खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं जो है इस स्टेज पर कुछ करूं, और जो आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी इससे अब कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि अब ये जो है कुछ करेगा। वो जो है बहुत सारे पेरेंट्स को भी अब इस बच्चे के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और ख़ुद भी इसके अंदर जो है एक एक्सपेक्टेशंस जो है पैदा हो जाती हैं। तो ये जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो उसके बाद जो है ये स्टेज 5 में आता है। तो ये चीज़ इसके अंदर याद रखनी है, ये जो है स्टेज आइडेंटिटी, यानी वो अपने आप को इस स्टेज पर जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त जो है दुनिया के अंदर उसका क्या रोल है, उसने क्या करना है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं माशरे में, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो एक जो है इस तरीका इन चीज़ों से जो वो इस वक्त जो है जूझ रहा होता है। तो जो इन चीज़ों से जो है वो निकल आता है आगे सक्सेसफुली ये जो चीज़ें कर पाता है, तो वो उसकी जो एक आइडेंटिटी बन जाती है। और जो इन चीज़ों में फेल हो जाता है तो उसके अंदर जो है एक फिर जो है एक कन्फ्यूजन जैसा पैदा हो जाता है कि वो जो है इस स्टेज के लाइक है या नहीं, एक जो है एक कन्फ्यूजन जैसा इस स्टेज पर बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। और ये जो है एज होती है 12 to 19 ईयर्स, जिसको हम टीन एज कहते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और ये जो एज होती है 12 to 45 ईयर्स, इसको जो एडोलिसेंस स्टेज भी कहते हैं, ये 6th स्टेज है। और ये जो है इसकी जो एज रहती है ये जवानी की एज, यंग एडल्ट्स हु आर इन 30s रहती है। इस स्टेज पर जो है जो भी जवान लोग होते हैं, दे आर वरीड अबाउट फाइंडिंग राइट पार्टनर एंड फियर दैट, इस वक्त जो है वो लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश में रहते हैं। तो और उनके अंदर जो एक डर एक फियर रहता है कि पता नहीं वो जो है इस स्टेज पर जो है उनको सही लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, अच्छा होगा वो या नहीं, उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो भी पाएगी या नहीं पाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो है वो कोई लाइफ पार्टनर ना मिले। तो इससे जो है वो उनके अंदर एक डर रहता है कि हो सकता है अगर उनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिले तो उनको जो है आगे की जो ज़िंदगी है उनको जो है वो एज ए अलोन लोनली जो है वो गुजारनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है वो
जिंदगी जो है इस कश्मकश में जो हो जिंदगी गुजारता है. यंग एडल्ट्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू फील इंटीमेसी एंड लोनलीनेस बिकॉज दे इंटरेक्ट विद ए लॉट ऑफ पीपल इन दिस फेज ऑफ देयर लाइव्स. तो जो जवान लड़के होते हैं वो इस स्टेज में जो है एक घबराहट रहती है, एक लोनलीनेस वो फील करते हैं इस स्टेज पर, जो वो बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते भी हैं. इट्स नॉट ऑलवेज ए सक्सेस स्टोरी फॉर एवरी यंग एडल्ट टू फाइंड समवन विद होम दे कैन श्योर ए लॉन्ग लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेज पर जो है जो भी बच्चे होते हैं, जो भी जवान होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को जो है कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले. तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है, देन दे चूज टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एज ए सिंगल. तो वो जो है इस स्टेज के में जो है इस कश्मकश से बाहर निकलने के बाद जो है या तो वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं या फिर वो जो है एज ए सिंगल जो है ज़िंदगी गुजारने वो जो है एक फैसला कर लेते हैं. तो ये जो है एक स्टेज होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन और ये स्टेज 6 है और ये जो है इसका ये जो स्टेज ये 20 to 40 ईयर्स एज है और इसको जो है एडोलेसेंस स्टेज भी कहते हैं. देन स्टेज 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये 45 to 65 ईयर्स, ये जो है 40s और 50s वाली एज है. तो इसमें जो है जो भी इंसान होता है दे शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग मीनिंगफुल टू द सोसाइटी एंड लिव ए लीगेसी. इस स्टेज पर जो है कोई भी आदमी जो है उसके जहन में ये बात होती है कि अब जो है चूँकि वो जो है आधे से ज़्यादा एज से वो निकल आया होता है, इस स्टेज में वो चाहता है कि वो जो सोसाइटी के लिए कुछ करे, कुछ अच्छा काम करे ताकि वो एक अच्छा नाम लेकर जो है इस दुनिया से जाए. तो इस स्टेज पर जो वो इसी कश्मकश रहता है कि मैं जो है कुछ इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करूं, कोई मीनिंगफुल काम करूं सोसाइटी के लिए. इफ़ दे फेल टू अचीव दिस दे फील लाइक दे हैव बीन अनप्रोडक्टिव मेम्बर ऑफ द सोसाइटी. और अगर वो ये काम कर पाते हैं तो फिर तो वो उनके दिल में एक सुकून रहता है, और अगर वो ये सब चीज़ें इस स्टेज पर नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता है कि उनका जो है इस सोसाइटी में जो रहना है ये जो है बगैर एक बेमाने ज़िंदगी उनकी जो है ये गुजर गई. तो उनने जो है इस सोसाइटी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, उनकी जो है ये ज़िंदगी है उसका जो है कोई मकसद नहीं रहा. ये जो है स्टेज 7 थी. देन लास्ट स्टेज स्टेज 8 ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, और ये जो स्टेज है 65 ईयर से ऑनवर्ड और ये जो है लास्ट टिल द लास्ट उसकी जो है लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ. एट दिस स्टेज एरिक्सन स्टेजेस पीपल्स इन द 60s एरिक्सन स्टेजेस पीपल्स आर इन देयर 60s और ओल्डर हु आर टिपिकली रिटायरीज. तो ये जो है इस स्टेज में जो है जो एरिक्सन कहता है कि इस किस्म के जो स्टेज होती है ये 60s से अबव होते हैं और ये जो है बिल्कुल रिटायरीज होते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं. अब वो जो है रिटायरीज होते हैं, वो उनको जो है अब कुछ भी वो काम करने के लायक नहीं रहते हैं. तो इस स्टेज पर जो है उनके अंदर जो है वो एक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू फील ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नोइंग दैट दे हैव डन समथिंग सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग देयर यंगर ईयर्स. इस स्टेज पर जो है वो अब एक सोचना शुरू करते हैं कि वो अक्सर सोचते रहते हैं कि उन्होंने जो है पिछले जो यंगर जिंदगी उनकी गुजरी है उन्होंने इस ज़िंदगी में क्या कुछ किया है, अच्छा किया है, नहीं किया है. इस तरीके के जो है ख्यालात उनके अंदर जो है जूझते रहते हैं. वन दे लुक बैक इन देयर लाइफ दे फील कंटेंट एज दे बिलीव दैट दे हैव लिव्ड देयर लाइफ इन फुलेस्ट. जब अपनी पिछली ज़िंदगी में को देखते हैं तो उनको महसूस होता है कि उन्होंने जो है पूरी खुशी से अपनी मर्जी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी है. इफ़ दे फील दैट दे हैवंट डन मच ड्यूरिंग देयर लाइफ देन इट्स लाइकली दैट दे विल एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ डिस्पेयर. और अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो है अपनी पिछली ज़िंदगी में जो है कुछ भी नहीं किया है, ना अपने लिए ना सोसाइटी के लिए, तो उनके अंदर जो है एक सेंस ऑफ डिस्पेयर, एक अफसोस जो है उनके अंदर जो है पैदा हो जाता है. So these were the 8 stages of Erikson about the psychosocial development. तो ये जो है एरिक्सन की स्टेजेस थी psychosocial stages of human development के बारे में. होप आपको ये जो है तमाम
जो है स्टेजेस जो मैंने यहाँ डिस्कस की बारी बारी, पहली स्टेज जैसे मैंने आपको बोला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, देन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, देन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, देन जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, देन लास्ट इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है पूरे अच्छे से एक इजी लैंग्वेज में आपको तमाम स्टेजेस को समझाने की कोशिश की है। तो आप जो है इस लेक्चर को एक दो बार सुने, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो डेट्स वगैरह हैं, और हर स्टेज जो है उसकी जो इसका जो टाइटल है इनको याद करना है, और इन हर स्टेज के अंदर जो है एक इंसान के अंदर जो है किस किस्म के ख्यालात रहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो आपको याद रखनी है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मैंने अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। होप आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लगेगा, आपको जो है अच्छे से ये समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई इसमें डाउट रहता है, कोई क्लैरिटी नहीं आ पाती है, तो आप मुझे जो है विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स।